हेलो हाय गाइस, मोस्टली कल सीमेट का रिजल्ट आ जाएगा, बट दिस टाइम सीमेट वाज अ कॉमेडी यार. सो नॉट अ सीमेट एग्जाम, इट वाज अ कॉमेडी शो व्हिच वाज गोइंग ऑन. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस. आई कुडंट मेक अ वीडियो अर्लियर बिकॉज आई वाज थोड़ा बिजी. सो अभी अपन इसकी बात करते हैं. एक तो नंबर वन वॉज चीटिंग, देयर वॉज रैम्पेंट चीटिंग गोइंग ऑन एट फ्यू ऑफ द सेंटर्स में. काफ़ी लोगों ने आके बोला कि हमने सर कंप्लेंट भी किया, ये भी पहले से वो जो इन्विजिएटर को इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, वो घूम रहा है, ये है वो है. सो दैट इज वन प्रॉब्लम विच हैड. सर क्या करें, केस कर देगा? तो मैं बेटा तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला इस देश में. राइट, एक स्टूडेंट की चप्पल चोरी हो गई, कैन यू बिलीव इट? मैं वो चप्पल उतरवाई, तूने चप्पल नहीं? सर एक्चुअली ना मैं ना वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ना मैं मंदिर की तरह मानता हूँ, मैंने अपनी चप्पल उतार के ना साइड पर रख दी और 2-3 घंटे के बाद आके देखा तो मेरी चप्पल ही गायब थी. भाई तूने खुद चप्पल उतार के, तूने क्यों चप्पल क्यों उचारनी थी? चप्पल चोर वहां पे, चप्पल चोर घूम रहे थे. सिस्टम एरर, देयर वाज अ पीपल वर फेसिंग पॉइंट नंबर थ्री इज सिस्टम एरर. के सेंटर स्टार्ट हुआ, सेंटर में उन्होंने बोला कि सिस्टम एरर आ रहा है, पेपर स्टार्ट नहीं हो अभी तक, और 45 मिनट तक सिस्टम एरर आता रहा, उसके बाद पेपर स्टार्ट हुआ. प्रॉब्लम इन द स्टार्ट, देर वॉज सम स्टूडेंट हु फेल्ड द प्रॉब्लम इन द एंड. लाइक 2-3 बच्चों में जाके बोला ये चीज, सर उन्होंने ना सबमिट किया पेपर और एरर आ गया. पेपर अपना सपोज 3 से 6 था, उनको 6 से 7 1 घंटा और दिया कि भाई तू सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर. वो बेचारा यार कैसे, चलो जितने क्वेश्चन याद थे याद थे, जो क्वेश्चन याद नहीं आए या जो जल्दी जल्दी में जबरदस्ती रॉन्ग कर दिया. वेरी सैड है, वेरी सैड स्टोरी. एक सेंटर में बोला गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. फिर आके बोला मिनिमम 50% अटेम्प्ट करना ही करना है. तो एक सेंटर में ये भी चालू था. एनीवे, जो हो गया हारने दो. तो मेन तो बात हमने किया ही नहीं यार, 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग थे. वी आर गेटिंग द रिव्यू, सो होपफुली दे विल रिलीज अ आंसर की टुमारो. लेट्स वेट एंड वॉच मंडे क्या होता है, देन वील चैलेंज ऑल दोस क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट. यू प्लीज, यू डोंट पे फॉर दैट. इफ यू आर माई स्टूडेंट और इफ यू आर फॉलोइंग मी, आई एम गोइंग टू पे ऑन योर बिहाफ. 1000-1000 रुपये खर्चा क्यों करो आप, मैं वो सारा खर्चा उठाऊंगा. तो बट यू हैव टू रिकमेंड मी क्या क्वेश्चन रॉन्ग थे, बिकॉज पेपर आपने दिया मैंने नहीं. तो यार एक तो पेपर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 4-5 मिनट वेस्ट हो जाता है यार. वो बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इफ यू लाइक द टॉपिक. टॉपिक अपन को आते हैं तो बातें खत्म होगी, तो चुपचाप बोल के निकल जाने का. आगे देखेंगे तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, उसमें 3-4 मिनट वेस्ट होते हैं यार, टाइम बहुत वेस्ट होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एडमिट कार्ड लेट आना. यार 2 दिन पहले बताया गया भाई को हमारे कि तुम्हारा एग्जाम ना पटना की जगह रांची है, तुम रांची जाओ, पुणे की जगह नासिक है. तो ऐसे काफी लोग के साथ हुआ कि सेंटर एकदम से सिटी यही चेंज कर दिए. पहले बोले थे कि उसी सिटी में होएगा, फिर बाद में सिटी यही चेंज कर दिए. एनीवे, हमारा देश ऐसा ही है. आपको केस करना है, बिंदास बेफिक्र बेशक केस करो. तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो मैं बनाऊंगा, या बट मैं ही पहले बोल देता हूं कि उसमें कुछ नहीं होने, तो जो करने कर ले, कुछ नहीं होने वाला. वेलकम टू इंडिया. तो अब लेके चलो कि सीटी में भी ऐसी गड़बड़ होती रहती है, जो सीटी देने वाले आगे जाके सीटी का भी ये प्रॉब्लम है. इफ यू आर अनलकी, यू आर अनलकी यार, यू कांट हेल्प इट. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. लेट्स गेट टुगेदर टुमारो आफ्टर रिजल्ट्स. खुशी में गम में जो भी होगा कल अपन सेलिब्रेट करेंगे. ऑल द बेस्ट, गुड नाइट.